हाँ तो दोस्तों, हम आयुष्मान खुराना स्टारिंग एन एक्शन हीरो मूवी देखकर निकल चुके हैं। और इस मूवी को आप देख के हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि क्या हो गया आयुष्मान भाई आपको? मतलब ये आयुष्मान खुराना की फिल्म है जो इतनी तगड़ी तगड़ी स्क्रिप्ट चूज करता था, वो क्या मतलब हगे जा रहा है। तीन चार लास्ट जैसी पिक्चर बनाई उसने, आर्टिकल 15 जैसी, और ये क्या बनाया पता नहीं, समझ ही नहीं आया। पहले अनेक बनाई वो कितनी गंदी, ठीक है, फिर बनाई डॉक्टर जी वो और भी गंदी, ये थोड़ी ठीक है अगर देखो तो ठीक है, लेकिन करा क्या समझ ही नहीं आया। वो ऐसा लगा पता नहीं मारधारी हो रही है, एक्शन हीरो दिखाया चलो मान लिया, लेकिन स्टोरी भी तो हो कुछ, बस सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने चलता है, बस एंड में हल्का फुल्का सा सस्पेंस डाल दिया है, बाकी कुछ नहीं है भाई फिल्म के अंदर। प्रेडिक्टेबल है हाँ, सब कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि अलग हो अलग, नहीं भाई नॉर्मल फिल्म है, नॉर्मल एवरेज फिल्म है कह दो तो एवरेज ही फिल्म है। हाँ तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं इस मूवी के प्लॉट की तरफ। और इस मूवी का प्लॉट ये है कि आप ट्रेलर देख लीजिए। हाँ, मतलब ट्रेलर देख लो भाई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बिल्कुल सेम वही चीज है जो ट्रेलर पे देखा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मूवी में हमें लोगों को देखने को मिला कि क्या बोलते हाँ जी अच्छा, इन पूरी मूवी ही दिखा दी इन लोगों। बॉलीवुड वालों की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि वो भाई उनकी ना पिक्चर मत देखे करो, ट्रेलर देख ले करो, आजकल यही चल रहा है इन लोगों। हाँ, सिर्फ ट्रेलर देखो पिक्चर समझ में आ जाए। हाँ चलो, फिर भी मूवी का प्लॉट ये है कि हमारे आयुष्मान खुराना भाई से गलती से एक मर्डर हो जाता है, और फिर जिस बंदे का मर्डर हुआ है उसका भाई मतलब भूरा भाई उसको मारने के लिए दौड़ मारने के लिए ढूंढते रहते हैं बस, और कोई प्लॉट नहीं है इस पिक्चर का। उसके लिए ये इधर से कभी इधर जाते कभी उधर जाते यही चलता रहता है। मूवी लंदन में शूट हुई है बस ये। हाँ, इस मूवी की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इसमें भाई लव स्टोरी नहीं थी। अगर चीज अच्छी बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूंगा कि ये मूवी बहुत ही प्यारी तरीके से शूट की। हाँ, मतलब लंदन को अच्छे तरीके से दिखाया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी इसकी बहुत ही ज्यादा प्यारी। हाँ, बस इसमें यही अच्छा था कि इसमें सिनेमेटोग्राफी थोड़ी बहुत ठीक है, मतलब एक बार देखने लायक फिल्म है, अगर तुम ज्यादा फिल्म से एक्सेप्ट नहीं करते तो ठीक लगेगी तुम लोगों को पिक्चर, एक्सपेक्ट नहीं करते तो पिक्चर तुम्हें थोड़ी मतलब ठीक लग सकती है। एक्टिंग की बात करते हैं इस मूवी की, तो लीड में आयुष्मान खुराना, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक्टिंग जो है ना, जो बेस्ट एक्टिंग किया है वो जयदेव अलावा साहब ने किया। हाँ, मतलब ये बढ़िया काम करा उस बंदे ने, पूरा हरियाणा भी वो देखा तुमने पाताल लोग मतलब वही वाला बंदा। हाँ, तो आयुष्मान खुराना की नॉर्मल सी एक्टिंग जैसी वो हर फिल्म में करता है वैसी है, जयदीप अलावत की अच्छी एक्टिंग है इस बार तो बस। और इस मूवी को हम लोग रेटिंग देना चाहेंगे कितनी? तो भाई मैं इसको दूंगा 2.5 स्टार दे दूंगा भाई, 2.5 स्टार ही दूंगा भाई मैं। भाई देखो हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था, मैं भी 2.5 बोल रहा था, इतने भी 2.5 भाई 2.5 लाए गए, 3 लाए भी नहीं है, मतलब ठीक है। अगर आप तुम भाई टाइम पास करना चाहते हो तो पिक्चर देखने आ जाओ, वरना हम कहेंगे OTT पर आएगी देख लेना, वरना बाकी जयराम जी की। तो ये था हमारा रिव्यू एन एक्शन हीरो का, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।